दोस्तों, खेल टास्क का हो या जिंदगी का, अपने इक्के को तभी दिखाना जब सामने कोई बादशाह हो। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एटसिक्स में, और रुख करते हैं एक ऐसी वैकेंसी की नोटिस की तरफ जो कि आपको फिर से यहां पे इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। चूंकि मैं बताना चाहता हूं कि BECIL यानी कि जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई थी 2684 पदों की, कुल पद निकाले गए थे इसके 8वीं 10वीं ITI और डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते थे, पर यहाँ पे एक मौका उनको और दिया गया है इसका आवेदन करने के लिए, क्योंकि इसका डेट एक्सटेंड करके 14 अगस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को दिखलाऊंगा, ऑफिशियल नोटिस दिखलाऊंगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, दोनों ही चीज़ें दिखाऊंगा, और दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और अप्लाई कर सके। कैसे कैसे करना है अप्लाई मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो दिया था जो कि बिहार विधानसभा से था, इसका रिजल्ट आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आउट हो चुका है यहाँ पे बिहार विधानसभा एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2018 का। तो जो भी कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया था ट्रांसलेटर के लिए, अनुवादक के लिए, तो वो जाके अपना रिजल्ट चेक करें, स्कोर आ चुका है इनका। और जो भी मेरे भाई बंधु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है, इन दोनों वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है ये, और बिहार के लिए है वैकेंसी ये। तो बिहार में करनी चाहते हैं आप अगर नौकरी, तो देखें इन दोनों वीडियोस को और अप्लाई करें जल्दी। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जिस जिस जिले में वैकेंसी निकल रही है, कार्यपालक सहायक की, उन कैंडिडेट को भी बता देना चाहता हूँ कि अपने जिले के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करें, DM ऑफिस में मिल सकता है आपको काम करने का मौका। चलिए, अब हम आपको लिए चलते हैं दोस्तों इनकी सबकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसका मैं लिंक आपको दिखला देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, जैसे ही इस पेज पे आएंगे आप, यहाँ पे सारा डिटेल उस वैकेंसीज के बारे में है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये देखिए यहाँ पे BECIL की तरफ से जो ये सारे के सारे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकले थे, अकाउंटेंट एक्साइज एग्जीक्यूटिव की 2 पोस्ट थे, कंसल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट थी यहाँ पे, बाकी अनस्किल्ड मैन पावर, जी हाँ एज पर द स्पेसिफिकेशन 1342 पोस्ट, और स्किल्ड मैन पावर एज पर द स्पेसिफिकेशन 1336 पोस्ट, यानी कि टोटल मिला के 2684 ये पोस्ट होते हैं, और इनके लिए आप आवेदन कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ 25 जुलाई तक। तो ध्यान से सुनिएगा, ये अब वैकेंसी जो है 25 जुलाई ना होकर 14 अगस्त तक होगी इसकी वैकेंसी का रिक्रूटमेंट। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग क्लिक करके किसी भी पोस्ट के लिए, अगर जिसको अप्लाई करना है तो ओके, सबसे पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा अपना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक मिलेगा क्या, तो चालान मिलेगी, और चालान को लेकर कहाँ जाना है, तो अपने बैंक में जाना है, और ये ऑल इंडिया जॉब है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। और बैंक में जाकर क्या करना है आपको, तो इसके लिए आपको चालान कटाना है, इसका फीस का रसीद कटाना है। कितनी फीस है, क्या चार्ज लग रहा है, तो 250 रुपये लग रहा है SC ST के लिए, और जो जनरल OBC है उनको यहाँ पे 500 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो चलिए सारा डिटेल देते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। ओके दोस्तों, देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रख रखा है यहाँ पे, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए इसका जो डेट था पहले 10 जुलाई से 25 जुलाई तक था, जो कि अब बढ़ा दिया गया है 14 अगस्त को, वो भी नोटिस में दिखला दूंगा आपको अभी। तो देखिए, स्किल्ड मैन पावर एज पर द स्पेसिफिकेशन के लिए ITI मांग रहा है आपसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, या फिर वायरमैन में रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCVT सर्टिफिकेशन होना चाहिए, SCVT का सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपका, या फिर हायर टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो भी, या फिर इंजीनियरिंग है तो भी, किसमें, तो इलेक्ट्रिकल में। ये किसके लिए मांग रहा है, तो स्किल्ड मैन पावर एज पर द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आपका जॉब रोल क्या होगा दोस्तों, तो जॉब प्रोफाइल क्या होगा यहाँ पे, तो ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस का आपका जॉब होगा, 33/11 KV किलोवाट यहाँ पे है, नहीं है ये KV है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सब्सटेंसेस एंड द LTST डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये इस फील्ड में आपको कार्यरत करना होगा। ठीक है, आपकी जॉब प्रोफाइल LTST डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइंस एंड इट्स द अदर रिलेटेड वर्क राउंड इन द क्लॉक इन 3
रिले शिफ्ट टू द 8 आवर, 8 घंटे के आपका शिफ्ट होगा जिसमें कि आपको ये जॉब करनी पड़ेगी। तो अच्छी जॉब है, इलेक्ट्रिकल की जॉब है दोस्तों। अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रिकल में, या डिप्लोमा किया है, या फिर वायरमैन में किया है अपने डिप्लोमा, या फिर ITI किया है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। या फिर आपने इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी में किया है आपने कोई कोर्स, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे, और 18 से लेकर 45 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी 1336 की है, और यहाँ पे सैलरी जो है इसकी 9381 की है, ये आपकी सैलरी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जॉब है ये, सरकारी नौकरी है, ठीक है, पर कॉन्ट्रेक्चुअल है। अनस्किल्ड मैन पावर के लिए क्या डिग्री चाहिए, तो 8 पास चाहिए, ठीक है, 8वीं पास है, या फिर एजुकेशनल से बोर्ड दिया है आपने, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का चाहिए, किसमें, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, अगर आपने वायरिंग का कहीं काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 18 साल से लेकर 45 साल तक आपके पास एज लिमिट है, और यहाँ भी आपका जो वर्क आवर रहेगा 8 घंटे का शिफ्ट रहेगा, और 1342 पोस्ट है यहाँ पे, और इनकी सैलरी होगी 7613 रुपये, और ये भी उत्तर प्रदेश की नौकरी है। कंसल्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की पोस्ट है दोस्तों, जिसमें कि BTEC मांगा गया है इलेक्ट्रिकल्स के लिए, और एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 ईयर का होना चाहिए, जिसके लिए 4 पोस्ट निकाले गए हैं, और इनकी भी जो जॉब ड्यूटी होगी वो 8 आवर की शिफ्ट के आवर से दी जाएगी, LTST जॉब प्रोफाइल पे होगी। इनकी सैलरी जो होगी दोस्तों 30,000 से 50,000 के बीच हो सकती है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस होगा। ओके, ये अच्छी जॉब है यहाँ पे। अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है, जिसके लिए BCOM, MCOM, MBA जो फिनांस है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे सैलरी 20,000 से 30,000 तक होगी, और ये भी ये उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी है, और ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी वैकेंसी जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट ना हो उत्तर प्रदेश से तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, द कैंडिडेट शैल बी डिप्लॉयड द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाइक विद्युत वितरण निगम उत्तर प्रदेश। देखिए, इनको इस जॉब में भी भेजा जा सकता है, इनके प्रोजेक्ट में, किसके, तो विद्युत वितरण निगम उत्तर प्रदेश जो का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है, इनको यहाँ पे भेजा जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि ये सारा जो है एक्सेंचर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें कुछ जो आपके जॉब से रिलेटेड जो बातें हैं वही बताई गई हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है, becil.job.com करके, यहाँ पे जाके आप अपना सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में भी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन दिस, जो कि मैंने अभी आपको दिखलाया है उसका वेबसाइट, अलॉन्ग विद द स्कैन कॉपीज ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 पासपोर्ट साइज फोटो एंड द पैन कार्ड आधार कार्ड। देयर इज नो नीड टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट इन फिजिकल फॉर्म। इन सब फॉर्म को फिजिकली आपको भेजने की जरूरत नहीं है कहीं भी, आपको क्या करना है, ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है, ठीक है। तो स्कैन कर लीजिएगा फोटोज़ को अपने सारे, इसका फोटो खींच कर, और साइज़ देख लीजिएगा, साइज़ आपका 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइल का। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, स्कैन ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा अपने एजुकेशन डिटेल जितने भी हैं, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन के, या फिर डिप्लोमा के, या फिर आपके ITI के, है ना, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पे देना है उसकी बात कर रहा हूँ। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगेगा, और जो कि पैन कार्ड और आधार कार्ड का भी फोटो कॉपी आपको लगेगा, यहाँ पे स्कैन करके मांगा जाएगा। और दीज देयर इज नो नीड टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट इन फिजिकल फॉर्म, यानी कि हार्ड कॉपी इनका नहीं भेजना है कहीं भी। अब रजिस्ट्रेशन फी जो लग रहा है आपका, ये 500 रुपये लग रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और OBSC ST के लिए जो है वो 250 रुपये लग रहा है, ठीक है। और ये कैसे भरना है इसको, तो ये कैसे करना है, तो ये आपको बैंक में जाके चालान कटाना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट जैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा आप अपना, आपको एक चालान दे दिया जाएगा यहाँ से, जिस चालान को लेकर यहाँ पे ये सारा डिटेल दे दिया जाएगा उस पर, और इस डिटेल पे जाके आप अपना चालान भरिए और आवेदन करिए। यहाँ पे 500 रुपये और 250 रुपये का चार्ज है कैटेगरी वाइज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट डेट जो कि 25 जुलाई था, अब 14 अगस्त कर दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका नोटिफिकेशन मैं अभी आपको दिखला देता हूँ। ओके, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी है, इंपॉर्टेंट थी जो, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को आपको वहाँ पे जब जाएंगे तो इसको फोटोकॉपी करा के जरूर लेकर जाएंगे, ताकि आप यहाँ पे जॉब करने के लिए सक्षम है, आप डिक्लेयर करके उनको दोगे, इसका फोटोकॉपी भी निकाल के ले जाना है आपको,
ओके, और सिग्नेचर यहाँ पे आपसे कराएंगे। सिग्नेचर कराने के बाद आपका नाम और आपका डेट ऑफ पैलेस दोनों बताया जाएगा यहाँ पे, और ये सबमिट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ ही। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं उस नोटिस पे जहाँ पे बताया गया है कि आपका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, और आपको इसी अकाउंट नंबर पे अपना जाके पेमेंट करना है BECIL के लिए। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका जो नोटिस है इसको डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बताया गया है कि 14 अगस्त 2019 हो चुका है आपका लास्ट डेट इस रिक्रूटमेंट के लिए। और ये रिक्रूटमेंट संख्या देख सकते हैं आप लोग, एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2019 का रिक्रूटमेंट संख्या है, और जो कि डेट है इसका 10 जुलाई को पब्लिश किया गया था, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और अब इसका लास्ट डेट बढ़ा के 14 अगस्त कर दिया गया है। तो जो भी आपको करना है यहाँ पे जल्दी करें, 14 अगस्त से पहले भर लें फॉर्म को। और वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी इज मैंडेटरी, इन द केस द फेल्यूअर ऑफ पेमेंट इज रजिस्ट्रेशन फी द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड। अगर आपका फीस सबमिट नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर कोशिश करें कि आज ही ये काम कर लें अगर आप करना चाहते हैं आवेदन इन सभी पदों के लिए। तो कोई भी अपना अप्लाई, ये आपको दिखला देता हूँ एक बार फिर से दिखला देता हूँ। ये अभी देखिए यहाँ पे जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इस पे आइएगा, यहाँ पे अप्लाई पे लिंक पे क्लिक कीजिए किसी भी पोस्ट के लिए। सपोज मान लो मैंने किया है यहाँ पे अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, तो अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से रजिस्ट्रेशन मेरा लेगा, जिसमें कि आपका पोजीशन अप्लाइड फॉर मैंने दे दिया है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है ये बता देगा आपको। आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना है यहाँ पे, उसके बाद कौन सा जेंडर है, तो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ईमेल आईडी अपना देना है, और एक ईमेल आईडी और भी दे सकते हैं अगर है तो, आधार नंबर जरूर दीजिएगा और पैन नंबर। ठीक है, ये दोनों मैंडेटरी है यहाँ पे, देखिए स्टार साइन लगाया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ अपना जो मैट्रिकुलेशन में है वही डालिएगा यहाँ पे, अगर शादीशुदा है तो यस और नो का यहाँ पे सवाल जरूर दे दीजिएगा आप लोग। करंट एज क्या है ये बताना है यहाँ पे आपको, ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा जैसे आप DOB डालेंगे। और कौन सी कैटेगरी से फॉर्म है, अगर आप आउट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जनरल जो आपका कैटेगरी है उसी में काउंट किया जाएगा, इसलिए अगर आउट ऑफ स्टेट से भर रहे हैं उत्तर प्रदेश से तो आप जनरल ही क्लिक करके छोड़िएगा इसको। नेशनलिटी इंडियन डालिएगा यहाँ पे, रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है ये जरूर बता दीजिएगा। मोबाइल नंबर एक अपना दीजिएगा जरूर यहाँ पे, और फादर्स नेम, फिर उसके बाद फादर्स नेम के बाद फादर कॉन्टैक्ट नंबर भी मांग रहा है यहाँ पे अगर है तो, नहीं तो किसी गार्जियन का नंबर जरूर दे दीजिएगा। प्रीफर्ड लोकेशन आपका यहाँ पे यानी कि एड्रेस मांग रहा है, ठीक है, और करेंट जॉब लोकेशन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका भी पता देना है आपको। इनफैक्ट करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे बताना है आपको, स्टेट कौन सा है आपका, सिटी कौन सी है और पिन कोड क्या है आपका, होम टाउन का ये बताना है। ओके, परमानेंट एड्रेस में एज इट इज सब कुछ भर दीजिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज इंटर द आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर एंड द ईमेल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, ये आपको देना बहुत ही जरूरी है। अगले पेज पे फिर आपको ये ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही जाइएगा दोस्तों, ये आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कराएगा। तो इस फॉर्म को देखिए, भरिए एक बार, ट्राई कीजिए, करना चाहते हैं यहाँ पे जॉब तो बहुत अच्छी वैकेंसी है या अच्छी कंपनी है, और आपको अच्छा खासा सैलरी भी बढ़ सकता है बाद में इसमें। ओके, तो ये मिनी रत्न कंपनी है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये मिनी रत्न कंपनी है, अच्छी जॉब है। तो अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।